आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है दोस्तों, पर आपको इस जंग से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जंग में बॉम्ब की नहीं बल्कि चौको छक्कों की बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारा इशारा 28 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप की ही तरफ है, जिसमें एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें आमने सामने खड़ी होंगी। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर खिलाड़ियों से लेकर दोनों देशों के लोगों के अंदर भी पूरा तूफान भरा हुआ है। इस मैच के चलते पहले से ही सट्टा बाजार में आग लग चुकी है। यूएई में मैचों की टिकटों की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है और भारत में बहुत से लोगों ने अपनी पत्नियों से जानबूझ के झगड़ा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो उन्हें उनके मायके भेजकर शांति से मैच देख सके। पर अब इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर अपने एशिया कप जीतने की हैट्रिक लगा पाएगा, या फिर पिछली बार के T20 वर्ल्ड कप की ही तरह भारत एक बार फिर से पाकिस्तान से मुंह की खा कर वापस आएगा। नमस्कार दोस्तों, आरा इंफोटेनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रुचि राय। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस सुपर हीटेड मैच में किस चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मैच में क्या होने वाला है, और सबसे जरूरी बात कि अगर इस मैच में पाकिस्तान को हराना है तो भारत को कौन सी 5 गलतियां दोहरानी नहीं होंगी जो पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने की थी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताएं, इससे पहले आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इस मैच के बारे में आपकी राय आखिर क्या है और आपको क्या लगता है कि इंडिया का झंडा एक बार फिर से ग्राउंड पे लहराएगा ना। चलिए जल्दी से आपको उन 5 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जिन पर काम करके इंडिया कप के और करीब पहुंच सकता है। नंबर 1, टॉस विनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप बेशक टॉस जीतने और हारने को लक समझते हो, पर क्रिकेट की दुनिया में टॉस हारने को गलती ही कहा जाता है, जो पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कर दी थी, क्योंकि उस समय स्टेडियम में बैठा हर आदमी जानता था कि टॉस जीतने वाली टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करेगी, और इसकी बड़ी वजह थी रात में पड़ने वाली ओस, क्योंकि ओस पड़ने के बाद बॉलिंग करने वाली टीम को जहां बॉलिंग करने में दिक्कत होगी तो वहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम को काफी आसानी होगी। और कुछ ऐसा ही हमें बाद में देखने को भी मिला, जब 152 के स्कोर को बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने बिना कोई विकेट गवाए आसानी से स्कोर हासिल कर लिया और भारत को 10 विकेट की करारी हार दे दी। इसीलिए अगर भारत इस बार शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है तो रोहित शर्मा को हर हाल में टॉस जीतना होगा। नंबर 2, पेसर। किसी भी टीम की बॉलिंग यूनिट 70% उसके पेसर पर ही निर्भर होती है, और यही वो सबसे बड़ी कमी है जिससे आज हमारी टीम इंडिया जूझ रही है, क्योंकि भारत के पास बल्लेबाजी करने के लिए तो ICC के टॉप रैंकिंग बल्लेबाज हैं, पर पेसर के नाम पर अभी भी भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ही हैं, और इसमें से तो जसप्रीत बुमराह पहले से ही इंजरी के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन होगा जो टीम इंडिया की बॉलिंग की कमान संभालेगा, क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि टीम इंडिया की बैटिंग लाजवाब है, पर बॉलिंग के मामले में पाकिस्तान का पलड़ा हमसे कहीं ज्यादा भारी है। पाकिस्तान का बॉलिंग खेमा, शाहीन शाह, अफरीदी और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर से भरा हुआ है, जिनकी बॉलिंग की स्पीड ही 150 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर रहती है, और इसी के दम पे पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में मात दे दी थी। नंबर 3, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से भारत की बैटिंग में जितनी डेप्थ है शायद ही इतनी डेप्थ दूसरे देश की टीम में हो, लेकिन अगर भारत को एशिया कप जीतना है तो भारत के टॉप ऑर्डर को चलना ही होगा, क्योंकि पिछली बार शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को पहले ही ओवर में गोल्डन डक बनाकर वापस भेज दिया था। और लोकेश राहुल भी शाहीन अफरीदी के द्वारा ही बोल्ड किए गए थे। और अगर हम विराट कोहली को छोड़ दें तो
तो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी उस मैच में कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे और भारत मुश्किल से 152 रन का ही आंकड़ा छू पाया था, जो कि बहुत कम था। इसीलिए अगर इस बार मैच को जीतना है तो भारत के टॉप ऑर्डर को दोस्तों चलना ही होगा। नंबर 4, सिलेक्शन प्रोसेस। जितना उस टीम के खिलाड़ियों पे डिपेंड करता है, उतना ही डिपेंड करता है उस मैच के खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने वाले सेलेक्टर्स पर। और अगर इंडिया को लगातार ये तीसरी बार एशिया कप जीतना है तो फॉर्म प्लेयर्स का टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी गलती भारत के सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ की थी, वो उन्हें अब की बार भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्टर्स ने टीम में जगह दी थी, जबकि इन फॉर्म ईशान किशन और अश्विन को सेलेक्टर्स ने खिलवाया नहीं, जिसका खामियाजा हमने करारी हार के रूप में भुगता। हालांकि BCCI ने 15 सदस्यों की भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया में पूर्व कप्तान विराट कोहली और स्टार ओपनर KL राहुल की शानदार वापसी हो चुकी है, जबकि जसप्रीत बुमराह पीठ इंजरी के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं और दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव को 15 सदस्यीय टीम में रखा गया है। तो वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप और स्पिनर रवि बिश्नोई भी 15 सदस्यीय टीम में अपनी जगह बना चुके हैं, जबकि एशिया कप टीम से ईशान किशन और संजू सैमसन को बाहर रखा गया है। नंबर 5, माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मैच अच्छी बॉलिंग और बैटिंग के दम पे जीता जा सकता है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि क्रिकेट मैच में जितना असर खिलाड़ियों के मनोबल और माइंडसेट का रहता है, उतना शायद कोई दूसरी चीज का नहीं रहता। तो भारत के खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो पिछली बार की हार को भुलाकर एक बैलेंस्ड और अग्रेसिव माइंडसेट के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहे और वो मैदान पे इतना अच्छा प्रदर्शन करे कि हर कहीं सिर्फ चक दे इंडिया हो जाए। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये खेल है और अंत में जीत उसी की होगी जिसकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसीलिए किसी भी टीम के बारे में पहले से ये कहना ये टीम मैच जीतेगी या हारेगी, ये बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर टीम इंडिया इन 5 गलतियों को सुधार लेगी तो पाकिस्तान को भारत से एशिया कप में हारना ही होगा। इस मैच और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो और चैनल से जुड़े कोई आपके पास सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिखने वाले घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल की बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं की हैं, तो जल्दी से चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें, क्योंकि उसमें आपके लिए ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन भरा हुआ है।